जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ शुरुआत में कि आपको लंगोट पहनना ज़रूरी, उसके बाद आपके बॉडी में हीट आना ज़रूरी, यानी अच्छे से वार्म अप करना ज़रूरी, उसी के बाद आप हेवी मुद्गर या कुछ और अभ्यास की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सबसे पहले कि अपन जो छोटे छोटे मुद्गर हैं, यानी अगर आप 25-30 किलो के भी मुद्गर उठा रहे तो उससे पहले आपके बॉडी के अंदर हीट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यानी आप अच्छे से पसीने में नहाने के बाद ही दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज मुद्गर के, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। बॉडी के अंदर आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी, आपके बॉडी में हीट आ जाएंगी, और जिनके अंदर बॉडी में यानी हड्डियों के अंदर जकड़न रहती, और जकड़न के साथ साथ आपके मसल के अंदर जो अकड़न रहती, वो अकड़न यानी अकड़न और जकड़न दोनों इससे निकल जाएंगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेंगी। साथ ही साथ ये दिखने में आपको छोटे हैं, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा है, यानी इनका असर बहुत अच्छे से मिलेंगे आपको। ये ज़्यादा बात नहीं करते, आज शुरू करते आज का वीडियो। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी बिना लंगोट के कुछ भी अभ्यास नहीं करना। तो लंगोट अच्छे से पहले से कस लीजिए, उसी के बाद ही कुछ भी अभ्यास कीजिए। तो ये शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है 2 से 3 किलो के जोड़ी मुद्गर, जिसके अंदर मैं इसको शुरुआत में बीच में से पकड़ूंगा और इससे लगाऊंगा भस्त्रिका, यानी शुरुआती तौर पे। जब इसको मैं पीछे ले आ रहा हूँ तब श्वास खींच रहा हूँ, श्वास खींचते खींचते आपके छाती के वक्षस्थल के मजल के ऊपर भी इससे खिंचवाएंगा, शोल्डर के ऊपर इससे खिंचवाएंगा। ऑर्गन्स की अगर बात करें तो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा, अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा, जिनको सांस जल्दी फूलती उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ आपके चेस्ट के मसल के ऊपर इसका असर आप सीधे सीधे तौर से देख सकते हैं। साथ में जिनको शोल्डर की जकड़न है, इससे उनको बहुत राहत मिलेगी। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। उसके बाद दोस्तों, आप थोड़ा अपनी गर्दन को भी फ्री कर लेना, जैसे ये नॉर्मली ऐसा शुरुआत में तो इसको ऐसा नॉर्मली घुमा के घुमाने के बाद हो सके तो आप इसको खुद से ही सिंगल लो, आप अपने आप से ही मुद्गर से थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, जिससे आपके मेरुदंड के अंदर खून की दौड़ान अच्छे से होंगी। और अगर नहीं कोई सहायक है, आकाश लगा दो, अगर आपको कोई सहायक है तो सहायक के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। गर्दन घुमाने के बाद मुद्गर से गर्दन पे हल्के हल्के, कोई सहायक दोस्त है तो उसके साथ मिलकर आप ये कर सकते हैं, नहीं तो जैसा मैं आपको बताया अकेले वैसा ही कर सकते हैं। यह होने के बाद आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। इसके अंदर आपको मुद्गर ऐसे सीधे पकड़कर आपके कंधों को घुमाना है। पीछे घुमाने की बात सामने, इसको आप बीच में भी पकड़ के घुमा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, जिसके अंदर आपको शुरुआत में ये घुमाना है, इसी के साथ साइड में भी। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मल वार्म अप से ज़्यादा
कठिन वार्म अप यानी बॉडी के अंदर हीट आने के लिए, क्योंकि ये किया जाता है मुदगर से। कम वेट है लेकिन असर बहुत है। इसको बीच में पकड़ने के बाद इसको और कठिन बनाते हुए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। साइड में सिर्फ दूसरे हाथ से बहुत असरदार आपके हाथों पर। आइए बढ़ते दोस्तों अगले अभ्यास की ओर। दोस्तों इस अभ्यास में आपको खींची लगाना है, जैसे कि ये बाहर जाते वक्त और अंदर इसी अभ्यास को पहले आप बिना मुदगर के करिए, उसके बाद आप पारंगत हो गए जब आपके हाथ अच्छे से ऐसा कैंची बनते हुए जा रहे, ये अंदर ये बाहर, कभी एक हाथ से कभी ये हाथ कभी ये हाथ कभी ये हाथ, अंदर भी ऐसे ही कभी ये कभी ये। ये हाथ अच्छे से लगाने के बाद ही यानी आपके हाथ फ्री से फ्री होने के बाद ही आप इस अभ्यास को मुदगर से करिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। इसके फायदे आपके शोल्डर, आपके ट्रैप्स, आपके रिस्ट। लाओ काश। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने अभी कैसा कैंची लगाया, इससे आपके शोल्डर के ऊपर अच्छा खासा वजन गिरेगा। यह है 2 से 3 किलो, यह है 2 से 3 किलो का वजन का मुदगर दोस्तों, लेकिन इसका प्रेशर 15 से 20 किलो आपके शोल्डर पे। अगर कोई भाई कभी उठाया 15 से 20 किलो शोल्डर एक्सरसाइज के लिए, तो उसको ये 2 से 3 किलो वाला मुदगरी मुश्किल होंगे उठा के करने के लिए। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। दोस्तों इस अभ्यास का मिलता जुलता यानी रुमाली देसी एक्सरसाइज के अंदर एक अभ्यास है रुमाली बोलकर, उसी से मिलता जुलता ये अभ्यास, ये भी बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये मात्र आपके बॉडी के अंदर हीट आने के लिए तो है ही, लेकिन ये छोटे छोटे मुदगरी काफ़ी है आपको थका देने के लिए। है छोटे यानी जो बोलते हैं ना, जो काम सुई कर सकती वो काम तलवार नहीं कर सकती। इसको रुमाली के अभ्यास में लगातार आपकी कमर, आपकी कलाई, आपका शोल्डर और आपका लंग्स बहुत ज़बरदस्त काम। तो दोस्तों अगले अभ्यास की ओर, जिसके अंदर आपको मुदगर उठाना है छोटा सिंगल, आपकी टोनी सीधी। इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट अपने को देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, जो एकदम कमज़ोर रहते उनको अचानक से शक्ति का आभास हो रहा। यह आपके शोल्डर तक आया या नाक तक आया फिर गया सामने, ऐसा नहीं करना। इसको टोनी सीधी, ये सामने सीधा कंधे तक, फिर एकदम सामने सीधा,
या तो नाक तक या तो कंधे तक। बहुत पावरफुल, यानी आपका इतना वाला हिस्सा कलाई, आपकी कोहनी, यानी आपका हैमर मसल और शोल्डर, फ्रंट शोल्डर मसल के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट गिरेगा और अचानक आपको एक शक्ति का आभास होगा। साथ ही साथ आइए करते हैं पीछे की कलाई की ओर। ये तो सामने की कलाई के लिए था, पीछे भी कलाई है, आपको शायद ही कहीं और मिलेगा ये अभ्यास, जिसके अंदर आपको अंगूठा इसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ के। अच्छा, जिनको अंगूठे से तकलीफ हो रही तो मुदगर को सीधा पकड़ सकते हैं, थोड़ा नीचे नीचे करके ये उठाए। आपके साइड के ट्राइसेप पे और स्पेशली आपकी कलाई पे देखिए इससे कैसा असर गिरता। भूल के भी अगर आप किसी के ऊपर सर पे मारेंगे, नहीं मारना, समझ सकते आप। सेम अभ्यास इसी हाथ से, अगर इसकी ताकत का अगर आपको नमूना चाहिए तो एक नारियल लगाइए, नारियल लगा के उसको मारिए उसके हाथ ऊपर से, देखिए नारियल का क्या हालत होता। इसको और कठिन मारने के लिए आपका अंगूठा मुदगर के लट्ठू के ऊपर कुछ इस प्रकार से पकड़ने के बाद आपके अंगूठे को दबाइए। आप अंगूठे को दबाते हुए उठाइए, इसका प्रभाव अलग रहेगा, इससे पहले जो अभ्यास बताया उसका प्रभाव अलग रहेगा कलाई के ऊपर ही। और कठिन मारने के लिए आप अभी तक नीचे पकड़े, अब इसको पूरा डेड एंड में पकड़िए ऊपर, ये देखिए बहुत कठिन अभ्यास दिख रहा मामूली, लेकिन हद से ज़्यादा कठिन ही है। आइए बढ़ते दोस्तों अगले अभ्यास की ओर। दोस्तों यह अगला अभ्यास वार्म अप का, आपकी कमर के अंदर मसल्स इसके फ्री होंगे और आपके साइड के, और साथ ही साथ आपको खिंचाव आएगा आपके लैट्स के ऊपर, अच्छा खासा खिंचाव आएगा इससे आपके लैट्स के ऊपर, आपकी कमर के ऊपर, साइड बेली फैट के ऊपर। तो कुछ अभ्यास ये छोटे मुदगर से, हाथ चेंज करो आकाश, याद से करो सेम अभ्यास दाहिने हाथ से भी, जैसे कि देखिए इधर पूरा खिंचाव, जिनको रिपकेज, जिनको रिप्स दिखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, लैट्स के लिए बहुत अच्छा, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा, जिनके शोल्डर के लिगमेंट्स कमज़ोर रहते और उनको एक अकड़न जकड़न आते रहती शोल्डर के अंदर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ही है। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। तो थोड़ा बॉडी हिलाने के बाद में दोस्तों, हीट आने के बाद में थोड़ा आराम करना। आराम कैसा करना, मसल को आराम देना, आपके जिस्म को नहीं, आपके जो मसल्स है उसको देते हुए उसको घुमाना है। ठहरे ठहरे, जिनके शोल्डर डिसलोकेट हो जाते जल्दी, शोल्डर में बिल्कुल जान नहीं रहती उनके लिए ये अभ्यास। इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं, थोड़ा सा, ताकि आपके बॉडी को थोड़ा आराम मिले। आराम तो देना नहीं है, लेकिन जो पिछले अभ्यास आपको बताया उससे आपका शरीर थोड़ा थक सकता, तो थके हुए शरीर को इन्हें खोल देंगे वापस से। ये वाला अभ्यास स्पेशली आपके शोल्डर के लिए, लगातार लोहा भी तब आकार लेता है दोस्तों जब वो तपके लाल होता। अगर आप सीधा सीधा बड़े बड़े मुदगर उठाएंगे तो आपको फायदा देने की जगह नुकसान, इसीलिए खास तौर से मैं बना रहा हूँ आज का वीडियो कि आपके बॉडी के अंदर
हीट कैसा लाना, आपके मसल्स को फ्री कैसा करना, यानी आपका जिस्म अगर एक लोहा है तो उसको तपता हुआ आकार देने के लायक कैसा करना, ये आज का वीडियो। आगे बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। ये एक और अभ्यास दोस्तों, ध्यान रखिए, इसके अंदर आपको आपकी कमर बेंड नहीं करना, बस थोड़ी सी झुकाना है, गर्दन सीधी सामने रखते हुए, आपकी नज़र एकदम सामने रखते हुए। मारो एक 4-5 बार। जब नीचे जा रहे हैं आपको आपकी श्वास छोड़ना है, जब आप ऊपर की ओर आ रहे हैं तो अब आपको श्वास खींचना है। ध्यान रखिए, हमेशा सांसों का ही खेल ही है। थोड़ा और नीचे, थोड़ा स्पीड, स्पीड करो या स्लो करो, हमेशा आपकी श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए ही आपको करना है अभ्यास। बस करो, हटो। ये देखिए दोस्तों, एक और अभ्यास बॉडी में वार्मर के लिए। जब आप सीधा पैर लगा रहे तो आपको दाहिने हाथ से घुमाना है, जब आप दाहिना पैर लगा रहे तो आपको सीधे हाथ से घुमाना है। श्वास खींचते हुए बहुत ही बेहतरीन, साथ ही साथ आपके जिस्म को सुडौल बनेगा। सांसों का ध्यान रखने के बाद ही इस अभ्यास को करना है आपको, सांसों के ऊपर ध्यान रखते हुए ही करना है आपको। बस करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अभ्यास आपके बॉडी के अंदर हीट आने के लिए वार्म अप के तौर पर लंगोट पहनने के बाद। इसके बाद आपको उठाना है हेवी मुद्गर, उसको इज्जत देते हुए, जब उसके पैर चरण छूते हुए छूने के बाद ही उसको उठाना है। घुमाओ, शाबाश। 3-4, ये हमारे ब्रह्मचारी का पहला अभ्यास हेवी मुद्गर में लेके, ज़्यादा नहीं हो पाया, ये 10-12 किलो का है। इस अभ्यास को आपके बॉडी में हीट आने के बाद में ही करना, इसके बाद आप बढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा हेवी, जैसे कि हमारे, लाओ इधर। ये देखिए दोस्तों, 25 किलो से ज़्यादा भारी मुद्गर, पिछली बार मैंने 30 किलो से ज़्यादा भारी बनवाया था, इस बार 25 से ज़्यादा, लगभग ये भी कुछ कम 30 है। हेमंत पहलवान जो कि हमारे हरियाणा से, बहुत खुशी हो रही दोस्तों हमारे को कि हमारे देश के युवाओं में वापस से जज्बात आ रहा। कल तक तो मैं देखता था कि कोई डंबल जाके 20 किलो 25 किलो को उठा रहे जिम के अंदर, लेकिन आज मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारी देश की माओं ने जन्म दे के रखा है ऐसे ऐसे वीरों को, जो कि आज भी अपनी सभ्यता को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जज्बात जगा रहे लोगों में। अगर वो लोग ये घुमा रहे तो इसको देखने के लिए भीड़ जमा हो जाएंगी कि इतना भारी उठा रहे कैसा जिम के अंदर जाके। खैर, उसकी तो अलग टॉपिक है, लेकिन इससे अगर आप खेल रहे हैं, वो लेके उठाना रहता आपको, लेकिन इससे आपको खेलना रहता, जिगर होना पड़ता है इसको उठाने के लिए। पाउडर का डिब्बे का दूध नहीं, माँ का दूध पीएस वाला इसको उठा सकते। तो ये हमारे हेमंत पहलवान जी के लिए ये मुद्गर, इसको थोड़ा सा तेल से मालिश, तेल लावकाश, जहाँ जहाँ भी क्रैक थी थोड़ा सा हमने भरने का प्रयत्न किया, मालिश करो। ये देखिए उनका नाम इसके ऊपर, इधर जूम करो, दिख रहा नाम, हेमंत पहलवान, ये हमारी ओर से उनको गिफ्ट। तेल दो इधर, ये जाएंगा हरियाणा को। जो भी हमारे पास से मुद्गर ले लो, उनको पहली
तेल की मालिश हमारी ओर से, जो पॉलिश करा रहे हो उसके सामने, मतलब यानी तेल के सामने, तेल की मालिश के सामने पॉलिश के मुद्गर का तो कुछ वैल्यू नहीं है। इससे आपको एकदम नेचुरल शाइन और लुक आएगा। 100% दरार और क्रैक आता दोस्तों, जिससे आपको टेंशन लेने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक है। इसके अंदर कोई किसी चीज़ केमिकल मिला हुआ नहीं है, ये लकड़ी है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि वो लोग क्या क्या कुछ केमिकल डालकर मुद्गर के क्रैक्स भरते और लकड़ी उनकी जल्दी ख़राब हो जाती। वापस से हेमंत पहलवान के नाम पे ज़रा अच्छा लगाओ, ये देखिए नाम कैसा निखर के आ रहा। इसमें भरपूर हल्दी और नीम इस तेल में। बचा कुचा इधर पहुँच जाओ आकाश, इधर और इधर भी पहुँच जाओ। हाँ बस उधर लगाओ। अच्छा यहाँ पे भी लगाओ। हेलो, तो दोस्तों ये था कुछ अभ्यास वार्म अप के लिए। कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उन भाइयों के लिए जो छोटे छोटे मुद्गर ले रहे हैं हमारे से, ले रहे छोटे लेकिन उनको असर वो अभ्यास करने के बाद में ही मिलेगा। कुछ अभ्यास मैं आज बताने का प्रयत्न किया, आगे मैं और अभ्यास बताने का प्रयत्न करूँगा। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल। और एक बात, हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई बलवान रहना, हर कोई पहलवान रहना। मिलता हूँ आपसे जल्दी।